कब्जे करेंगे और उस बालक को लोग पकड़ के जिस तरह बेरहमी से पीटा है लगता वो चाय नहीं बल्कि आतंकवादी। पटना सिटी के बाईपास में पुलिस बर्बरता के खिलाफ वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बाईपास थाने का घेराव किया। इसे लेकर बाईपास इलाके में घंटों अफरातफरी का माहौल बना रहा। कार्यकर्ताओं ने एक सुर में बाईपास थाना प्रभारी के खिलाफ नारे लगाते हुए उसे अविलंब सस्पेंड करने की मांग की है। जो पूरे बिहार में इस तरह लगातार शोषण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, गरीबों के साथ गलत हो रहा है, ये अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए, ये भी हमारी मांग है। और दूसरा, न्याय जल्द से जल्द मिले। न्याय मिलने के बाद भी थाना अध्यक्ष को अगर सस्पेंड नहीं हुआ तो गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे। बताते चले कि लगभग 20 दिन पहले बाईपास थाने की पुलिस मतनी पर एक चाय दुकानदार को गिरफ्तार करने गई थी। इसी क्रम में वहां के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो बाईपास थाने की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को जमकर पिटाई कर दी थी। इस घटना में पुलिस ने काफी बर्बरता दिखाते हुए महिलाओं और बच्चों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा था। इस घटना में कई महिला बुरी तरह घायल हो गई थी और कई महिलाओं का सर फूट गया था। पुलिस की इस पिटाई के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया। इस बीच कई बार पुलिस ने शांति समिति की बैठक कर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने बाईपास थाना के खिलाफ कई बार वरीय अधिकारियों से मिलकर वहां के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बावजूद भी आम लोगों की बात पर पुलिस के वरीय अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। स्थिति को भागते हुए शनिवार को वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाईपास थाने का घेराव कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट को। देखिए, बीते दिन आपको पता होगा पटना सिटी में एक चाय बेचने वाले टिंकू जी हैं। वो अपने घर परिवार पोषण के लिए बेचारा वो बालक चाय बेचता है और उस बालक को ये लोग पकड़ के इस तरह बेरहमी से पीटा है, लगता है वो चाय नहीं बल्कि आतंकवादी है। इस तरह पैर में मारा है बेचारा और उसको आंगली तोड़ दिया, बताइए उसका क्या गुना था। और इसने केस में आरोप ये लगाया है कि दारू बेचता है। भैया एक बताइए कि जबकि वो लड़का जब तक वो लड़का आज तक दारू नहीं पिया होगा और इनका बालक 25 दिन से देखिए बालक रो रहा बिलख रहा है, इनका कोई देखने वाला नहीं है। और ये लोग का कहना है कि मेरा कमाने वाला चला गया, अगर मेरा कमाने वाला नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। ये लोग जान देने के तैयार हैं, लेकिन मांग हम लोग यही है कि थाना प्रभारी को पहले सस्पेंड किया जाए। ऐसे थाना प्रभारी ऐसे बिहार के थाना में नहीं चाहिए, ये लोग सरकार को बदनाम कर देगा ऐसे थाना प्रभारी। और हम मांग करेंगे कि गरीब को बेटा जेल में गया उसका बारी बारी कट जाए और आज ताकि फिर कभी ऐसा केस ना हो कि कोई के पिता जेल में जाए और वो बालक आपका लोग कहते हैं ये बच्चा पढ़ने पढ़ता जाता है, 25 दिन से लोग पढ़ने नहीं गया, उनके टेंशन है। पीछे हट गए और वहाँ पे उस रोज 21 तारीख को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 24 तारीख को प्लानिंग करके शाम को 7:30 बजे बड़े संख्या में पुलिस प्रशासन वहाँ पे गए, उनको मारपीट किए और उनके जो चाय का दुकान वाला थे उनको और उनके मम्मी को अरेस्ट किए और पुलिस चौकी में मिला के भी उनको टॉर्चर किए, मारे पीटे और उसको बेहूट जेल में भेज दिया। और उसमें बहुत सारे धारा ऐसे ऐसे धारा लगा दिए, जो एक आतंकवादी को धारा लगाया जाता है, एक बड़े अपराधी को लगाया जाता है, ऐसे ऐसे धारा लगा दिया जाता है कि जल्द से जल्द मिल रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक के साथ, एक गरीब इंसान के साथ नाइंसाफी की है। और इसके लिए हमने लगातार एक हफ्ता से एसपी साहब से भी हम बात कर रहे थे, ऊपर बात कर रहे थे कि इसको जल्द से जल्द न्याय कीजिए, जो गलत किए उसको सजा मिले। और इस केस में कुछ नहीं है और ऐसे जबरदस्ती उसको उठाया गया जिसमें कोई किसी का कोई अपराधी हिस्ट्री नहीं है। जो उन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन के अंदर में हम इसको सही तरीके से जांच करते हैं और सही जो है वो हम लाते हैं और जल्द से जल्द वो ऐसे धारा सब लगा दिया, जो धारा की आवश्यकता नहीं था वो धारा सबको वापस करके उसको जल्द से जल्द बेल हो जाए, ऐसी प्रक्रिया करते हैं, ऐसे तो आश्वासन दिए हैं। और मैं भी लगता हूँ हमें भी कानून का सम्मान करना है और हम लोग गलती हो जाता है किसी भी पक्ष से, बाद में जरूरी है कि उसको सही करना। और प्रशासन की तरफ से आश्वासन हुआ कि सही करेंगे, तो मैं हम लोग आज जा रहे हैं, फिर देखते हैं कि वो कब तक कितना जल्दी वो सही करते हैं। ठीक है, बहुत सारा नाइंसाफी हुआ है, खास करके पैसा के लेन देन के कारण जो नहीं होना था, जो घटना नहीं होना था ऐसे सारा घटना हो गया। और पुलिस अपने पावर का दुरुपयोग किए हैं, अपनी पावर दिखाएं, शक्ति दिखाएं, अपने जो उनके पास पेन में जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल किए, जो धारा नहीं लगना चाहिए ऐसे ऐसे धारा लगाएं।